नमस्कार, मैं डॉक्टर भाविका ढींगरा वैद्यश्री आयुर्वेदा की तरफ से। जनरली हम मेडिकल साइंस में साइंस और सिम्टम्स की बातें करते हैं, बट आयुर्वेदा साइंस में हम प्रोनॉर्मल सिम्टम या पूर्व रूप की बातें करते हैं। मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स जिनसे हमें हमारी होने वाली बीमारी का आभास हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे ज्वर यानी फीवर के कुछ प्रोनॉर्मल सिम्टम्स की, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और अगर हम उसके प्रोनॉर्मल सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम उसे डिजीज़ पे लैंड होने ही नहीं देंगे। तो आयुर्वेद कहता है कि ज्वर यानी कि फीवर के अंदर जो प्रोनॉर्मल सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली आलस्य नयनम, यानी कि आपको एक आँखों के आगे बहुत भारीपन सा फील होगा, देन अविपाक यानी कि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है, आद्वेष यानी कि आपको किसी भी चीज़ में रुचि नहीं होगी, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको गर्मी और सर्दी एकदम से बहुत ज़्यादा लगने लगती है, साथ ही साथ आप आसपास की आवाज़ों से इरिटेट होने लगते हैं। जब हमें ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं या हमारा काम करने में मन नहीं करता तो हमारी बॉडी आइडेंटिफाई कर लेती है कि हमें कुछ ना कुछ डिजीज़ होने वाली है, दैट इज़ हमें कोई ना कोई फीवर आने वाला है। मे बी इट इज़ द इन्फेक्शियस टाइप, मे बी इट इज़ ऑफ एनी कॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, बट ये हमें फीवर्स की तरफ लेके जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं, थकावट लग रही है, खाने का स्वाद ठीक से नहीं आ रहा है, बॉडी बहुत लेथार्जी फील हो रही है, तो हमें बिना हेवी मील्स लिए हुए हल्का खाना लेते हुए एक दिन का रेस्ट ले लेना है ताकि हमारी बॉडी में फीवर डेवलप ही ना हो। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे टाइम से किसी भी फीवर से सफ़र कर रहे हैं तो आप द्वारका सेक्टर 13 रोजवुड अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 77 में वैद्यश्री आयुर्वेदा सेंटर में आके कंसल्ट कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू एंड फॉलो अस फॉर मोर।